हाय एवरीवन, वेलकम टू मम्पीडिया। आज एक बहुत ही यूनिक जगह जा रहे हैं। हम लोग फूडी है तो खाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं और अनाबा, देखिए मैंने अनाबा को एक बिब पहना दिया है बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है, वो वॉमिट कर देती है। एज़ यूजुअल आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग डिनर करने जा रहे हैं और आज मैं अनाबा को लेके बैक सीट पे बैठी हूँ बिकॉज़ फ्रंट में वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो हम लोग ऑन द वे है, चलिए आप लोग को मैं अभी बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं अनाबा से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रही थी, तो मैंने इसका भी थोड़ा बहुत क्लिपिंग ले लिया। आज हम लोग जा रहे हैं अरेबिक डिश खाने और वो भी एक बहुत न्यू रेस्टोरेंट में। हम लोग पहले दो बार जा चुके हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा खाना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ कोलकाता में मंडी यानी कि अरबिक जो डिश है फेमस मंडी, वो बहुत जगह नहीं मिलता है। एक जगह ऑलरेडी फेमस हो चुका है जो बरकास है, बट और ये जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं इसका नाम है अल लुकमा, और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरह का खाना है और क्या क्या मिलता है, ताकि जो लोग कोलकाता में है और कोलकाता में आ रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर विजिट करें अल लुकमा में। As usual देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्टर कैसा है। मुझे तो लगता है स्टार्टर ज्यादा अच्छा होना बहुत जरूरी है। स्टार्टर देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और बस उतरने वाले हैं। अभी बज रहा है 9:06 रात का एंड मैं, अनाबा और उसके डैडी हम लोग आए हैं अल लुकमा में। तो बाहर से मैं दिखा देती हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। ये है CIT रोड में एंटली में। आप लोग यहाँ आए और 11 तक ये खुला रहता है। अंदर जाके बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अब मैं दिखा रही हूँ रेस्टोरेंट को घुमा के आप लोग को। यहाँ पर बेसिकली अरबिक डिशेस मिलती है। 3 दरबार बना हुआ है जहाँ पर आप लोग आराम से नीचे बैठ के फ्लोर पे खा सकते हैं, एंड इनफैक्ट टेबल्स और सोफ़ाज़ भी कुछ लगे हुए हैं। देखिए मैं घुमा कर दिखा रही हूँ आप लोग को। बिल्कुल खाली था बिकॉज़ मंडे नाइट हम लोग गए थे खाना खाने। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है। हाँ, दिखा दीजिए। ओके, इसमें बहुत तरह का लाइक फिश और चिकन का कबाब्स रहेगा, तो आने के बाद दिखाते हैं क्या। ओके, तो हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे आलू लुकमा प्लेटर के लिए। एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग सोच कर आए थे ना कि हम लोग मंडी नहीं खाएंगे। मंडी जो है ना वो एक अरेबियन राइस और मीट का प्रेपरेशन है। आज हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग राइस नहीं खाएंगे या रोटी नहीं खाएंगे, हम लोग बस स्टार्टर्स पे, मतलब हम लोग बस प्रोटीन इंटेक करेंगे। जस्ट किडिंग, लाइक हम लोग सोच के ही आए थे कि हम लोग मतलब लाइक स्टार्टर्स वगैरह ही खाएंगे हम लोग ज़्यादातर। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग डिस्कस करें कि क्या क्या ऑर्डर करें। इन द मीन टाइम खाने के लिए वेट करने के साथ साथ मैं अनाबा और डैडी के कुछ पिक्चर्स ले रही थी, बट अनाबा पोज बिल्कुल नहीं देती है, यहाँ पे बस वो शरारत कर रही है। क्या कर रहे हैं? नो नो, फोटो शी केम ना अनाबा, यू लव डैडी और मम्मा। क्या है ये?
लुकमा प्लेटर, बहुत कुछ है इसमें। पहले ये खाएंगे, पेट में जगह रहेगा, उसके बाद ये बारबेक्यू टिक्का है, चिकन टिक्का है, चिकन रिंग्स है, लेबनीज ग्रिल है, ओके, फार्म का पीसेस केक है, ओके, और फ्रेंच फ्राइज है, और ये फिश फिंगर है। ठीक है ठीक है, ईट एंड टेल मी हाउ इज इट, हाउ इज इट, नाइस। How is it? Okay, तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ, शायद ये लेबनीज ग्रिल है। टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, मतलब स्पाइसी नहीं था, बच्चा भी खा सकता है, इस लायक था। और अब प्लेटर का नेक्स्ट आइटम था फिश फिंगर, बहुत टेंडर, बहुत जूसी फिश था। फिश मेरा फेवरेट है, मेरी बेटी का फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये फिश फिंगर। Now it was time for the grilled fish. इतना अच्छा grilled fish मैंने आज तक कभी नहीं खाया। I mean this was yummy. कैसा है? अच्छा है ना? Soft है? बताइए कैसा है? देख लीजिए, देखे देखे दिखाइए। यहाँ पर मैं अनाबा को grilled fish खिला रही थी और उसको भी बहुत पसंद आया। Now it was time for the juice. अनाबा के लिए मैंने लिया था लीची स्ट्रॉबेरी मोइतो और अपने लिए वर्जिन मोइतो। बहुत मुश्किल से उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी कि कम से कम जूस पीते पीते कुछ तो खा ले, बिकॉज वो कुछ भी नहीं खाना चाहती है। यहाँ पर मैं अपना वर्जिन मोइतो इंजॉय कर रही थी और एक्चुअली मैं अपना ज़्यादा क्लिपिंग ले नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो खाने ही में बिजी थे, बिकॉज उनको खाना इतना अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर जो है हम लोग खा पी के एकदम फुल हो चुके हैं। अनाबा और मेरा एक स्पेशल मोमेंट ये है और मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ग्रिल्ड फिश अलुकमा प्लेटर खाने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था मटन चॉप। क्या अच्छा लगा अनाबा बताओ? फिश फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, बहुत फूली हैं, उन लोगों को अरेबियन डिश भी आई एम डैम श्योर पसंद आने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो मंडी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मंडी का पिक्चर मैं यहाँ अटैच कर दूँगी, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मंडी होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो है मटन चॉप्स आ चुका है, बहुत स्पाइसी था ये मटन चॉप्स। कैसा है बताइए तो, ज़ोर से बोलिए, थोड़ा सुनाई नहीं। मटन का पीस बहुत कम है और बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। जो लोग स्पाइसी खाते हैं वही लोग ऑर्डर करिएगा, अदरवाइज डोंट टेक दिस बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्पाइसी। शो मी व्हाट आर यू ईटिंग अनाबा, शो मी। कैरेट? आर यू अ रैबिट? यू आर अ रैबिट। Anaba, you already have your juice, right? Then why do you want cold drink? जाऊँ डेजर्ट के बिना तो मेरा खाना अधूरा रहता है। तो दिस इज द शाही रबड़ी, अमेजिंग था। मतलब क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। This is what? खुबानी का मीठा। Nice.
डिफरेंट है. यू आर नॉट अ स्वीट लवर बट फिर भी अच्छा नहीं लगा ना. एप्रिकॉट है इसमें ना. मैं भी टेस्ट करके देखूंगी थोड़ा सा. ओके तो अब खाना हो चुका था और अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूँ ना तो मैं कहूँगी 9 out of 10. हर खाना अच्छा था सिवाय वो मटन चॉप्स के जो थोड़ा स्पाइसी था. ऐसे तो टेस्टी था. आई होप कि अब सबको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. चलिए अभी बाहर चलते. अभी खाना खा चुके हैं हम लोग और अब हम लोग जाएंगे बाहर गाड़ी के पास और गाड़ी के पास जाके चलिए बात करते हैं. अब बस हम लोग निकल रहे थे रेस्टोरेंट से. खाना पीना खा के बिल्कुल फुल हो चुके हैं. बाहर जा रहे हैं और अब देखिए यहाँ पर जो है सामने गाड़ी पार्क कर दिए थे. पार्किंग का भी कोई टेंशन नहीं. आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आई एम श्योर कि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगी और इस तरह के न्यू प्लेसेस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. एक्चुअली हम लोग ना बहुत फूडी है, खासकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फूडी है तो हम लोग मतलब अक्सर खाने जाते हैं इधर उधर और न्यू जगह को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एक्सप्लोर करना. तो प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इसी तरह एंड करती हूँ. लाइक हम लोगों ने अपना कार पार्क कर दिया, अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा. आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.